हेलो बच्चों, नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सनाजरीन हुंडेगरी आप सबकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले दशिका में क्या सीखा था? सही कहा, हमने हमारा पाठ क्रमांक 11 सब्जियों का संसार, इस पाठ का हमने हमारे पिछले दशिका में अभ्यास किया था। तो आज हम हमारे इस तासिका में क्या करने वाले हैं, इस पाठ के जो कुछ भी प्रश्न उत्तर आए हैं पाठ्य पुस्तक में, उसका अभ्यास, वाचन, लेखन हम इस तासिका में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे कि हमने हमारे पिछले पाठ में क्या क्या सीखा है उसकी एक बार थोड़ी सी पुनरावृत्ति करते हैं। तो मुझे बताइए बच्चों, हमने हमारे पिछले तासिका में क्या सीखा था, उस पाठ से मैंने आपको क्या सिखाया था? हाँ, सही कहा, मैंने क्या बताया था आपको? हरी सब्जियां खाना, फल खाना हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इस पाठ के माध्यम से मीरा और उसकी माँ ने हमें तरह तरह के सब्जियों की जानकारी दी है, उसके जो कुछ भी फायदे हैं उसको हमें बताया है, और फल खाने से, सब्जियां खाने से क्या क्या होता है उसकी भी जानकारी मीरा और उसकी माँ ने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है। तो इस पाठ में एक छोटी सी लड़की है मीरा नाम की, वो और उसकी माँ बाजार में सब्जियां लेने के लिए जाते हैं। तो वो क्या क्या खरीदते हैं? आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, घिया, लौकी, ऐसे तरह तरह की सब्जियां खरीदते हैं। उसके बाद वो क्या खरीदते हैं? हरी सब्जियां खरीदते हैं, पालक, मेथी, सरसों का साग, ऐसी जो कुछ भी हरी सब्जियां होती है वो भी खरीदते हैं। हरी सब्जियां खाने से हमारे शरीर में जो खून की मात्रा होती है वो बढ़ती है, और हमारे को कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है, इसलिए हमें सब्जियां खानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि मैंने ये पाठ आपको जब पढ़ाया है उसके बाद से मेरे जो ये घर पर बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने अपनी अध्यापिका की बात मानकर हरी सब्जियां खाना शुरू किया होगा। सही कहा ना? तो ठीक है, तो हमने इस पाठ में देखा है हरी सब्जियों का महत्व और फलों का महत्व। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारे इस पाठ के नीचे जो कुछ भी प्रश्नोत्तर आए हैं हम उसका अभ्यास अब करेंगे। तो बच्चों, अब आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की उसको निकालिए। चलिए बच्चों, अब आप क्या करेंगे, आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका पन्ना नंबर 65 निकालिए। अपनी जो पेंसिल है उसको हाथ में लीजिए, अपना जो रबर है उसको भी अपने पास रखिए, ताकि अगर लिखते समय अगर कोई गलती हो जाएगी तो हम उसको वहां पर मिटाकर फिर से सही शब्दों में लिख सकेंगे। तो चलिए बच्चों, अब आप ध्यान दीजिए। तो आपको क्या करना है, आपकी अध्यापिका के साथ पहले प्रश्नोत्तरों का सही से वाचन करना है। क्या होगा? हाँ, सही कहा, जो मेरे बच्चों की जो वाचन की गति है वो बढ़ जाएगी और सही से वाचन करना आपको आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 1, मेरे पीछे मेरे साथ आप पढ़िए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहां पर हमें 3 विकल्प दिए गए हैं और जो सही है उसके ऊपर हमें सही का निशान लगाना है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा प्रश्न पहला। क, अपनी उंगलियां बराबर शब्दों के नीचे रखिए और मेरे पीछे दोहराइए। मीरा की माँ कैसा खाना बनाती थी? मीरा की माँ कैसा खाना बनाती थी? उसके विकल्प देखिए, पढ़िए। अच्छा, स्वादिष्ट, बेस्वाद।
मीरा की माँ कैसा खाना बनाती थी? अच्छा बनाती थी, स्वादिष्ट बनाती थी या बेस्वाद बनाती थी? सही जवाब, मीरा की माँ स्वादिष्ट खाना बनाती थी। तो स्वादिष्ट के आगे के बॉक्स में हमें सही का निशान लगाना है। लगाइए उस शब्द के आगे सही का निशान। शाबाश। चलिए अगला प्रश्न, ख। किसके बिना भेलपुरी में स्वाद नहीं आता? जो हम भेलपुरी खाते हैं उसमें कौन सी चीज न होने पर हमें स्वाद नहीं आता है, यानी कि वो भेलपुरी खाने में मजा नहीं आता? वो कौन सी चीज है या फिर कौन सी सब्जी है? देखिए, आलू, प्याज, टमाटर। क्या डालते हैं सबसे आखिरी में भेलपुरी में? पूरा नीचे चूड़ा, चटनी वगैरह होता है, और ऊपर से क्या मारते हैं हम उसके ऊपर स्वाद आने के लिए? प्याज। सही कहा। भेलपुरी का नाम सुनते ही मेरे जो छात्र हैं उनके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना? वेरी गुड। प्याज के आगे सही का निशान लगाइए। चलिए अगला प्रश्न, ग। मीरा, बराबर से उंगली रखकर आपको पढ़ना है, हाँ, बराबर से इन वाक्यों को, शब्दों को सही उच्चारण के साथ। मीरा अपनी माँ के साथ कहाँ गई थी? मीरा जो है वह अपनी माँ के साथ कहाँ गई थी? फ्रॉक लेने, सब्जी लेने, घूमने। कहाँ गई थी मुझे बताइए मीरा? फ्रॉक लेने के लिए गई थी या सब्जी लेने के लिए गई थी या ऐसे ही घूमने के लिए गई थी? सही कहा, मीरा अपनी माँ के साथ सब्जी लेने गई थी। कहाँ गई थी? सब्जी लेने गई थी। शाबाश। अब चलिए अगला पन्ना नंबर निकालिए और वहां पर जो कुछ भी प्रश्नोत्तर है उसको देखिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर अपनी उंगली रखिए और मेरे साथ सही से प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित कथन पर सही तथा गलत का निशान लगाइए। देखिए नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, कथन यानी कुछ पाठ में आए हुए वाक्य यहाँ पर कहे गए हैं और वह हमें पढ़ना है, और वह वाक्य सही है क्या गलत है इसको सबसे पहले पहचानना है, और उसके बाद उसके आगे वह जो वाक्य है, वह जो कहा गया हुआ कथन है, वह सही है क्या गलत है उसका निशान हमें आगे के बॉक्स में लगाना है। तो चलिए हम पहला कथन पढ़ते हैं। क, मीरा को हरी सब्जियां अच्छी नहीं लगती थी। मीरा को हरी सब्जियां अच्छी नहीं लगती थी। यह वाक्य सही है क्या गलत है बताइए? गलत है, क्योंकि हमने पाठ में पढ़ा है कि मीरा को जो है हरी सब्जियां बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर जो कथन कहा गया है वह जो वाक्य है वह गलत है। तो इसके आगे के बॉक्स में हमें कौन सा चिन्ह लगाना है? गलत का चिन्ह, गलत का निशान लगाना है। लगाइए। चलिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ख, मीरा फल खाना पसंद करती थी। यह जो कथन है सही है क्या गलत है?
बिल्कुल सही कहा, यह जो कथन है सही है। मीरा हरी सब्जियां और फल खाना बहुत ज्यादा पसंद करती थी। तो यह जो वाक्य है सही वाक्य है। तो इसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। अब अगला देखिए ग। मीरा अपनी फ्रॉक लेने बाजार गई थी। मीरा अपनी फ्रॉक लेने बाजार गई थी। अब मुझे बताइए बच्चों, मीरा बाजार क्यों गई थी? सब्जी लेने। तो यहाँ पर ये जो कथन है ये फिर सही है क्या गलत है? हाँ, ये जो कथन है गलत है, क्योंकि मीरा फ्रॉक लेने नहीं तो सब्जी लेने बाजार गई थी। तो यह जो कथन है यह कथन गलत है। तो इसके आगे के बॉक्स में गलत का निशान लगाइए। देखिए अगला घ पढ़िए। पहले माँ ने करेले खरीदे। पहले जब बाजार में माँ और मीरा जाते हैं तो उन्होंने सबसे पहले करेले खरीदे। क्या खरीदा फिर उन्होंने? हाँ, उन्होंने आलू और प्याज खरीदे। तो यह जो कथन है यह गलत कथन है। तो इसके आगे गलत का निशान लगाइए। अगला देखिए। भेलपुरी में बैंगन नहीं डालते हैं। भेलपुरी में बैंगन नहीं डालते हैं। डालते हैं क्या? नहीं, नहीं डालते हैं। तो यह जो कथन है यह सही कथन है कि भेलपुरी में बैंगन बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। तो उसके आगे सही का निशान लगाइए। चलिए अगला प्रश्न। हम सब्जी और फल खाने से तंदुरुस्त बनते हैं। हम जो हैं, हम यानी हम सब लोग सब्जी और फल खाने से तंदुरुस्त यानी ताकतवर, कौन सी भी बीमारी हमें छू नहीं सकती, वैसे शक्तिशाली बनते हैं। बराबर है ना यह वाक्य? हाँ, सही कहा। यह जो कथन है यह सही है। तो इसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3। कौन सा है प्रश्न? प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? चलिए अपनी उंगली रखिए और पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा बताइए। देखिए यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं और वह जो वाक्य है किसने किससे कहा, यानी वो जो दोनों में संभाषण है, वह पहले किसने कौन सी बात की, उसके बाद वो बात किसने सुनी या फिर किससे कहा गया है, यह हमें यहाँ पर लिखना है। तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? वाक्य को पढ़ना चाहिए। उसके बाद ही हमें समझ में आ जाएगा कि वह जो वाक्य है किसने किससे कहा है। तो चलिए पढ़ते हैं हम पहला वाक्य। मेरे साथ दोहराइए। मीरा, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी? हमने पाठ में देखा है कि यह जो वाक्य है किसने किससे कहा? मीरा, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी? बताइए मुझे। हाँ, बिल्कुल सही। मेरे जो ये बच्चे ना बहुत होशियार है, मैं जवाब देने से पहले ही मुझे सारे जवाब बताते हैं। शाबाश मेरे बच्चों। मीरा की माँ ने मीरा से कहा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? किसने कहा? माँ ने। यह वाक्य किसने कहा? माँ ने। किससे कहा? मीरा
मीरा से। किससे कहा? मीरा से। शाबाश। बराबर से लिखिए। किसने? माँ ने। किससे कहा? मीरा से। वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। वाह माँ। मेरे पीछे प्रश्नों को पढ़िए। जब हम अच्छे से प्रश्नों को पढ़ेंगे तो हमें जवाब भी बहुत जल्दी आएंगे। चलिए अपनी उंगली रखिए और पढ़िए। वाह माँ, आज आलू की चाट बनाओगी या पकोड़े? जब मीरा की माँ आलू और प्याज खरीदती है तब उसको मीरा कहती है, वाह माँ आज आलू की चाट बनाओगी या पकोड़े? तो यह वाक्य किसने कहा है? मीरा ने। किससे कहा है? माँ से। वेरी गुड। यह जो वाक्य है, यह वाक्य मीरा ने किससे कहा? अपनी माँ से। तो यहां पर हम लिखेंगे, मीरा ने माँ से। शाबाश। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। अब देखिए ये जो हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, इसके प्रश्न उत्तर हमें CW यानी आपकी जो क्लास वर्क की बुक है उसमें लिखना है। लेकिन आप क्या करोगे, जब मैं ये प्रश्न पढ़ूंगी आप मेरे साथ प्रश्न पढ़ोगे और सिर्फ इसके जो जवाब है इसको अच्छे से सुनकर याद करेंगे। बराबर। तो चलिए हम हमारा अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, मीरा की माँ ने ठेले वाले से क्या क्या खरीदा? जब मीरा की माँ बाजार गई तो ठेले वाले से क्या क्या खरीदा? देखिए, मीरा की माँ ने ठेले वाले से लाल लाल टमाटर, मिर्च, अदरक व नींबू खरीदे। वहां पर बाजार में जो ठेले वाला बैठा था उसके पास से मीरा की माँ ने लाल लाल टमाटर, मिर्च, अदरक व नींबू खरीदे। देखिए अगला प्रश्न पढ़िए। मीरा कौन सी सब्जियां खाना पसंद करती थी? मीरा हरी सब्जियां खाना बहुत पसंद करती थी। वो ऐसे पर्टिकुलरली कोई तो एक सब्जी खाती थी क्या? हम कैसे करते हैं, आलू हमें चाहिए तो हम आलू ही खाते हैं, या फिर हमें अगर मेथी की सब्जी पसंद है तो हम सिर्फ मेथी की सब्जी खाते हैं। लेकिन देखिए इस पार्ट में मीरा कितनी अच्छी बच्ची है, वो क्या करती है, जो सारी हरी सब्जियां होती है वह बहुत अच्छे से खाती है और हरी सब्जियां खाना बहुत पसंद करती है। तो हमें भी सारी जो जो हरी सब्जियां हैं सारी सब्जियां खानी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मीरा कौन सी बात से हैरान रह गई? जब सब्जी बेचने वाले बच्चे ने यह बताया कि वह सुबह स्कूल जाता है और शाम को सब्जियां बेचता है, वहां पर जो छोटा सा एक बच्चा बैठा हुआ था तो उस बच्चे के बात से वह हैरान रह गई कि वह सुबह स्कूल जाता है और शाम को सब्जियां बेचता है, वह कितना मेहनत करता है, इस बात से मीरा हैरान रह गई। देखिए अगला प्रश्न। हमें हरी सब्जियां क्यों खानी चाहिए? अब आपकी अध्यापिका इस पाठ को पढ़ाते समय बार बार आपको बता रहे हैं कि हमें हरी सब्जियां क्यों खानी चाहिए, क्यों खानी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें वह प्रश्न आ ही गया कि हमें हरी सब्जियां क्यों खानी चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियां खाने से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। जब हम हरी सब्जियां खाते हैं
तो हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती है और खून हमारे शरीर में बराबर से रहने से हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है। इसलिए हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 5, अपनी उंगली रखिए उसके ऊपर, पढ़िए और समझिए। हमें पढ़ना है, समझना है, फिर यहाँ पर जो आगे प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमें एक शब्द दिया गया है, उसको पढ़ना है और समझना है। क्या है देखिए, क सब्जी सब्जियां, यानी एक सब्जी और बहुत सारी सब्जियां, यानी कि अब हमें क्या करना है, एक वचन का अनेक वचन करना है, सिंगुलर प्लूरल। ओके चलिए अब हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न पढ़ेंगे। थैली, एक थैली है और जब बहुत सारी होंगी तो क्या हो जाएंगी, थैलियां। क्या हो जाएंगी, थैलियां। कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं, थैलियां, य के ऊपर अर्धचंद्र बिंदी। एक थैली और बहुत सारी थैलियां, लिखा आपने। चलिए ग बच्चा, एक बच्चा है। अब मैं ये जो कुछ भी पाठ आपको सिखा रही हूं, ये एक बच्चा देख रहा है क्या? नहीं, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। तो एक जब होता है तो बच्चा, और बहुत सारे होते हैं तो बच्चे। आप सब लोग भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना? वेरी गुड, सुंदर हस्ताक्षर में आपको लिखना है। चलिए अगला घ बीमारी, एक बीमारी, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां। एक बीमारी और बहुत सारी बीमारियां, लिखा आप सब लोगों ने। चलिए अब हमारा पन्ना नंबर अगला निकालिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 6 निकालिए और उसके ऊपर अपनी उंगली रखिए। अब देखिए यहां पर क्या करना है। प्रश्न क्रमांक 6, क्या आप जानते हैं सब्जियों में कौन कौन से विटामिन होते हैं? आइए पढ़िए और समझिए। हमें यहां पर क्या करना है, आना है, इन सब्जियों के नाम को पढ़ना है और इसके आगे जो कुछ भी विटामिन दिए गए हैं वो विटामिन कौन कौन से इसमें है उसको समझना है और देखना है। तो देखिए यहाँ पर हमें सब्जियों के नाम और विटामिन के नाम दिए गए हैं, लेकिन एक सब्जी में एक ही विटामिन होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, एक सब्जी में अलग अलग बहुत सारे विटामिन होते हैं और ये विटामिन रिपीटेडली भी आ सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है और ध्यान देना है। तो देखिए सब्जियों के नाम पढ़ते हैं हम। सबसे पहले गाजर, हरा फूलगोभी, पालक, कुकुरमुत्ता यानी मशरूम, पत्ता गोभी। उसके बाद यहाँ पर हमें विटामिन के नाम भी बताए गए हैं, B6 यानी B6, C, E, D, A
के विटामिन भी दिए गए हैं। एक सब्जी में 2 से 3 भी विटामिन हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि गाजर में कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो गाजर में विटामिन सी होता है, हरा फूल गोभी में विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है और विटामिन ई होता है। तो हमें हरा फूल गोभी बार बार खाना चाहिए क्योंकि एक ही सब्जी में इतने सारे विटामिन होते हैं। पालक में विटामिन के और विटामिन ए होता है। कुकुरमुत्ता यानी मशरूम, उसमें विटामिन बी होता है। कौन सा होता है? विटामिन बी होता है। और पत्ता गोभी में विटामिन सी होता है, विटामिन ए और विटामिन के भी होता है। तो ये सब्जियों के नाम है और ये विटामिन के नाम है। हमने देखा है कौन से सब्जी में कौन कौन से विटामिन होते हैं। सिर्फ हमें इसको पढ़ना है, ओके, और समझना है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। पढ़िए, कोष्टक में दिए वर्णों को चुनकर अर्थपूर्ण शब्दों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर कोष्टक में आपको अक्षर दिए गए हैं, उन अक्षरों को इन शब्दों में बराबर से भर हमें शब्दों को पूरा करना है। अब कोष्टक में कौन कौन से अक्षर है देखिए, दी द श वा ह ड। अब ये अक्षर कहाँ कहाँ से कौन कौन से शब्दों में सही तरीके से बैठते हैं वहां पर हमें इनको लिखना है। तो पहला क्या है, स्वा डैश ट। तो यहाँ पर कोष्टक का कौन सा शब्द आएगा, दी आएगा। तो यहाँ पर दी लिखने के बाद यह कौन सा शब्द बनेगा, स्वादिष्ट। कौन सा शब्द बनेगा, स्वादिष्ट। उसके आगे देखिए ख, मे डैश नति। तो यहां पर कौन सा अक्षर आएगा, ह आएगा, मेहनती। अ डैश रक, यहां पर कौन सा आएगा, द आएगा, अदरक। कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, अदरक। है डैश न, यहां पर कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा आएगा, रा आएगा, हैरान। पक डैश नो, पकवानो। यहां पर क्या आएगा, क डैश वा, कड़वा। यहां पर जो श आया है इस श के जगह हमें रा करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8। अलग शब्द पर गोला का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें हमारे विवेक बुद्धि का वापर कर जो अलग शब्द है उसके ऊपर गोला शब्द बनाना है। अब देखिए यहाँ पर क, पालक। पालक के आगे क्या क्या है, मेथी है, आलू है, साग है। तो पालक हरी सब्जी है, मेथी हरी सब्जी है, लेकिन आलू हरी सब्जी है क्या, नहीं। तो आलू क्या हुआ, अलग शब्द हुआ। तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, गोला बनाना है। अगला प्रश्न देखिए, करेला, आम, तोरई, घिया। करेला सब्जी है, आम सब्जी है क्या, नहीं। आम क्या है, फल है। तो आम अलग शब्द है, उसके ऊपर गोला बनाइए। देखिए, मूली, गाजर, आलू, सेब। यहाँ पर सेब क्या है, फल है। तो सेब क्या हुआ, अलग शब्द हुआ, उसके ऊपर गोला बनाइए। अगला देखिए, घ, चेरी, बैंगन, मौसमी, खरबूजा। चेरी फल है, मौसमी फल है, खरबूजा फल है, लेकिन बैंगन क्या है, सब्जी है। तो अलग शब्द कौन सा हुआ, बैंगन। शाबाश।
तो उसके ऊपर हमें गोला बनाना है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, देखिए अगला प्रश्न रचनात्मक कार्य है। तो प्रश्न क्रमांक 9, नीचे दी गई सब्जियों से बनी तीन तीन व्यंजन लिखिए। अब ये जो प्रश्न है ये आपको मैं गृह कार्य के तौर पर दे रही हूँ, क्योंकि यह बहुत ही मनोरंजनात्मक है, आपको सोचना है और आपके माता पिता के सहायता से आपको इस प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैं आपको इसका स्पष्टीकरण देती हूँ कि कैसे क्या लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, नीचे दी गई सब्जियों से बने तीन तीन व्यंजन लिखने हैं। तो घिया लौकी से हम क्या क्या बनाते हैं, सही कहा, खीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खीर बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, हलवा, पराठा। ऐसे इस सब्जी का इस्तेमाल कर कर हम कौन से व्यंजन पकवान बनाते हैं उसके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। समझ में आया, इस पाठ का अभ्यास अब आप घर पर करोगे। इतना जो प्रश्न है हमारा वो आप घर पर ही करो। बच्चों आज हमने क्या देखा, हमारा जो पाठ क्रमांक 11 है सब्जियों का संसार, इसके जो पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रश्न उत्तर है उसका अभ्यास हमने आज की तासिका में किया है। और हमारा जो प्रश्न क्रमांक 9 है और उसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 10 है वर्ग पहेली में से सब्जियों के नाम पर घेरा लगाने का, वो आपका गृह कार्य है। और वह जो प्रश्नोत्तर है उसको आपको घर पर ही बैठे बैठे करना है। मैं आशा करती हूँ मैंने आज जो कुछ भी आपको सिखाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम हमारे अगले तासिका में मिलेंगे। धन्यवाद।